अपॉन आर, ये हमने पढ़ लिया है। अब जैसा कि हम थोड़ा सा हम रिवाइज करें फर्स्ट चैप्टर को देखें, फर्स्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज इज इक्वल टू 1/4πε0Q/r2। फिर हमने पढ़ा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल एट एक्सियल पोजीशन एंड एट इक्वेटोरियल पोजीशन एंड एट एनी पॉइंट। तो ये जो है कि रिजल्ट हमने देखा है सिमिलर, जैसा काम हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए किया था वही काम हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के लिए भी करना है, और इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण हमें पोटेंशियल फाइंड करना है एक्सियल पोजीशन पे, इक्वेटोरियल पोजीशन पे एंड एट एनी पॉइंट पर। तो देखते हैं, फर्स्ट पॉइंट हम लेकर के चल रहे हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ डाइपोल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए डाइपोल, डाइपोल के कारण हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू फाइंड करेंगे। इसमें फर्स्ट केस हम लेकर के चल रहे हैं, फर्स्ट केस एट एक्सियल पोजीशन, एट एक्सियल पोजीशन, एक्सियल पोजीशन पर हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो दिखाई दे रहा ना? यस सर। और ऑडियो वगैरह क्लियर, ऑडियो क्लियर है? यस सर। ठीक है, तो हम देखेंगे कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए डाइपोल एट एक्सियल पोजीशन, बहुत ही आसान टॉपिक है ये, हम नहीं पढ़ाने वाले थे एक्सियल पोजीशन और इक्वेटोरियल पोजीशन वाला, एनसीईआरटी में सीधे एट एनी पॉइंट के लिए दिया हुआ है टॉपिक, लेकिन इसे भी हम देख ले रहे हैं। तो ध्यान दोगे, यहाँ हम कंसिडर कर ले रहे हैं कि ये डाइपोल है, इलेक्ट्रिक डाइपोल है, एंड दिस इलेक्ट्रिक डाइपोल एज वी नो कंसिस्ट फ्रॉम टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस, प्लस क्यू चार्ज एंड माइनस क्यू चार्ज, बोथ आर अपार्ट एट ए वेरी स्मॉल डिस्टेंस, लेट इट टू ए टू ए। Due to this dipole, we have to find electric potential at axial line. Suppose as at axial line there is a point P where we have to find electric potential due to this charge system AB, that is dipole. इस dipole के कारण P पर हमें electric potential की value find करना है। इसके सेंटर O से, इसका सेंटर हम सपोज एस O कंसीडर कर ले रहे हैं, सेंटर O से रिक्वायर्ड पॉइंट वेयर वी हैव टू फाइंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अपार्ट एट डिस्टेंस स्मॉल r, यह पॉइंट P इस डाइपोल के सेंटर से स्मॉल r डिस्टेंस पर है, जहां हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू फाइंड करना है। तो एक टॉपिक हम पढ़ाएंगे ये डाइपोल के कारण पोटेंशियल, पढ़ने के बाद हम पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए सिस्टम ऑफ चार्जेज, सिस्टम ऑफ चार्जेज, अगर कोई सिस्टम कई चार्जेज से मिल करके बना हो तो उसके कारण किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू हम फाइंड करेंगे। आप लोग अपना ऑडियो बंद कर दो, आवाज आ रहा पीछे से, तो ध्यान दोगे आप लोग? हम एक टॉपिक पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए सिस्टम ऑफ चार्जेज, अगर कोई सिस्टम कई चार्जेज से मिल करके बना हो तो उसके कारण हम पोटेंशियल निकालना देखेंगे। लेकिन हमने जैसा कि टॉपिक पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए सिस्टम ऑफ चार्जेज, यानी कि सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के बारे में हमने देखा था, तो पीछे वाले टॉपिक में
electric force at a point or at a given charge due to a system of charges or electric field due to a system of charges at a point is equal to, जो result आ रहा था vector sum के बराबर आ रहा था, क्योंकि electric force और electric field दोनों vector quantity होता है। लेकिन हमने पढ़ा है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है, तो किसी सिस्टम के कारण किसी पॉइंट पर पोटेंशियल निकालना हो तो हम सिंपल अलजेब्रिक लॉ फॉलो करते हैं। सिंपल जैसा रिजल्ट आता है उसको अलजेब्रिकली हम जो है कि ऐड कर देते हैं। और पॉजिटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पॉजिटिव होता है और निगेटिव चार्ज के कारण पोटेंशियल की वैल्यू निगेटिव होती है, ऐसा जो है कि हमने पिछले टॉपिक में पढ़ा। तो हम निकालेंगे कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पी ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज। हमने पढ़ा है कि कोई एक चार्ज पर्टिकुलर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल प्रोड्यूस करता है, तो यह प्लस क्यू चार्ज इस पॉइंट पी पर कितनी पोटेंशियल प्रोड्यूस करेगा। दिस v1 इज इक्वल टू, सपोज एस v1 कह दे रहे हैं, v1 इज इक्वल टू प्लस चार्ज के कारण पोटेंशियल पॉजिटिव होगा। हमें डायरेक्शन नहीं दिखाना है, जब हम फील्ड निकाल रहे थे तो यह प्लस के कारण डायरेक्शन दिखाने की जरूरत पड़ रही थी कि इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवार्ड होगा, माइनस के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इनवार्ड होगा। लेकिन हम फील्ड नहीं पढ़ रहे हैं, पोटेंशियल पढ़ रहे हैं, और पोटेंशियल में डायरेक्शन की कोई जरूरत नहीं है, ये स्केलर क्वांटिटी होता है, डायरेक्शन नहीं होता इसमें। तो v1 इज इक्वल टू 1/4πε0 क्यू अपॉन यह डिस्टेंस। तो यह डिस्टेंस कितना हो जाएगा, r - a। दिस इज r - a, इसे हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट कंसिडर कर ले रहे हैं। सिमिलरली इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पी ड्यू टू दिस माइनस क्यू चार्ज v2 इज इक्वल टू, माइनस चार्ज के कारण पोटेंशियल माइनस होगा, 1/-1/4πε0 क्यू डिवाइडेड बाय यह डिस्टेंस r + a हो जाएगा। यह टोटल 2a है तो आधा a होगा, तो r + a। ये रहा इक्वेशन नंबर सेकेंड। देयरफोर नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पी, पी पर अगर नेट पोटेंशियल निकालते हैं तो वी इज इक्वल टू v1 + v2, अलजेब्रिक सम के इक्वल हो जाएगा। एंड दिस वी इज इक्वल टू, आप लिख सकते हो कि दिस वी इज इक्वल टू, आप v1 की वैल्यू पुट कर दो और v2 की वैल्यू, तो हो जाएगा कि 1/4πε0 क्यू अपॉन r - a, और माइनस जो v2 है निगेटिव है तो माइनस हमने लिख लिया, 1/4πε0 क्यू डिवाइडेड बाई r + a। अब इसमें आप देख रहे हो कि सब में जो है कि क्यू कॉम, ये कॉमन आप ले सकते हो, q/4πε0, तो बचेगा क्या, 1/r - a -1/r + a। आप इसे फिर जो है कि सॉल्व करोगे और सिंप्लीफाई करोगे तो दिस इज इक्वल टू रिजल्ट हो जाएगा q/4πε0 LCM r + a × r - a, दैट इज r² - a², क्योंकि हमें पता है a + b × a - b = a² - b² और ये बचेगा r + a - r - a। तो -r - a, माइनस से ब्रैकेट ओपन कर दें, ये हो जाएगा इस तरह से रिजल्ट। और यहां से आप r से r कैंसिल कर सकते हो, बचेगा दिस इज इक्वल टू 1/4πε0
वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट और ए प्लस ए टू ए, ये हो जाएगा टू ए डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। और क्यू भी है, क्यू को यहां ले ले रहे हैं तो लिख दे रहे हैं क्यू इंटू टू ए, और क्यू इंटू टू ए टू क्यू ए, हमें पता है टू क्यू ए की वैल्यू क्या होती है, टू क्यू ए डाइपोल मोमेंट हो जाएगा और इसे हम पी लिख सकते हैं। तो दिस इज इक्वल टू हम आगे लिख सकते हैं कि वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट, वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट पी डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये जो है कि पोटेंशियल की वैल्यू रहा। अब आप ध्यान दोगे, नेक्स्ट पॉइंट हम लेकर के चलेंगे, ये भी की वैल्यू हो गया, एक लाइन हम लिख सकते हैं नीचे, दिखाई देगा यहाँ पर? नहीं सर, नहीं दिखाई देगा। तो ये जो है कि रिजल्ट रहा, इधर मिटा करके मैं लिख रहा हूँ कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू दिस डाइपोल सिस्टम एट पॉइंट पी इज इक्वल टू वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट पी अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब यहाँ पर ये आप एक रिजल्ट कह सकते हो, इसे इक्वेशन नंबर थर्ड आप कर दो। अब हम नेक्स्ट पॉइंट लेकर के चलेंगे कि यदि यहां हम कंसीडर कर ले रहे हैं कि इफ आर इज वेरी वेरी ग्रेटर देन ए, यह जो डिस्टेंस आर है इस डाइपोल के आधे डिस्टेंस है, डाइपोल के साइज के कंपेरिजन में अगर ज्यादा हो, इफ आर इज वेरी वेरी ग्रेटर देन ए देन ऑन निगलेक्टिंग ए स्क्वायर इन कंपेरिजन ऑफ आर स्क्वायर, यदि आर ए के कंपेरिजन में बहुत बड़ा हो तो आर स्क्वायर बड़ी वैल्यू होगी ए स्क्वायर के कंपेरिजन में। हमने डाइपोल का डेफिनेशन पढ़ा है कि डाइपोल जो होता है दो इक्वल और अपोजिट चार्जेस से बना होता है, दोनों के बीच का डिस्टेंस जो होता है बहुत ही स्मॉल होता है, तो डिस्टेंस स्मॉल होगा तो आप यहां से आप लिख सकते हो। अब निगलेक्ट अगर करते हो तो इस रिजल्ट से लिखा जा सकता है देयरफोर फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से हो जाएगा रिजल्ट कि वी इज इक्वल टू वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट पी डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, क्योंकि आपने ए स्क्वायर को निगलेक्ट कर दिया। तो ये रिजल्ट रहा कि डाइपोल के कारण, इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण एक्सियल पोजिशन पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी इज इक्वल टू वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट पी अपॉन आर स्क्वायर। और ध्यान दोगे, ये कुछ बतलाओगे तब तक आप लोग, इसी रिजल्ट से रिलेटेड हम कुछ पॉइंट्स पूछें कि यहां प्लस क्यू चार्ज हमने लिया था, यहां माइनस क्यू चार्ज हमने लिया था और यहां प्लस क्यू चार्ज लिया था, और इधर जो है कि रिक्वायर्ड पॉइंट पी था ये स्मॉल आर डिस्टेंस पर जहां हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू फाइंड करना था। ध्यान दोगे तब यहां पर रिजल्ट आया था वी इज इक्वल टू हमने देखा वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट पी अपॉन आर क्यू। अब आप अगली चीज बतलाओगे, अगर यहां पर निगेटिव चार्ज होता और यहां पॉजिटिव चार्ज होता तो क्या रिजल्ट वही रहता या रिजल्ट में कुछ चेंजिंग होता, कोई लोग बताओ? सर सेम रहता। सेम रहता ना, मतलब कि हम सर प्लस इधर लेकर के चले चाहे इधर लेकर के चले रिजल्ट में कोई अंतर नहीं आता नहीं। और कोई लोग बताओ, रिजल्ट चेंज होता? मैं सर बता रहा हूँ कि रिजल्ट में कुछ ना कुछ चेंजिंग होती, आप सोच करके बताओ कि क्या चेंजिंग होता। साइन चेंज हो जाता और साइन चेंज हो करके ये निगेटिव हो जाता क्या? यस सर, निगेटिव। क्यों निगेटिव हो जाता?
ये कौन बोल रही हो, नाम बताओ। प्रकृति। ये क्यों निगेटिव हो जाता? सर क्योंकि हम जानते हैं कि डाइपोल का डायरेक्शन होता है निगेटिव टू पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव टू निगेटिव। अच्छा, डाइपोल के डायरेक्शन के कारण ये जो रिजल्ट होता है निगेटिव हो जाता। ठीक है, ये गलत है, क्योंकि हमें डाइपोल के डायरेक्शन से पोटेंशियल में कोई मतलब नहीं है, पोटेंशियल स्केलर है, तो डायरेक्शन की वजह से निगेटिव हो जाए पॉजिटिव हो जाए ये सही आंसर नहीं है। हाँ जरूर साइन चेंज होगा ये सही है, लेकिन क्यों होगा ये बतलाओगे और दूसरे लोग बतलाओ। हाँ बोलो अंगद। सर क्योंकि प्लस और माइनस चार्ज के बीच की जो मतलब पॉजिटिव चार्ज का उस पॉइंट से जो दूरी रहेगा वो बदल जाएगा। हाँ बहुत सही, डिस्टेंस वेरी कर जाएगा। अब माइनस, अगर यहाँ प्लस चार्ज लेकर के चले थे तो यह डिस्टेंस कम हो रहा था, और यह डिस्टेंस कम होने के कारण इसके कारण पोटेंशियल ज्यादा हो रहा था, तो पॉजिटिव वैल्यू ज्यादा आ रहा था और निगेटिव चार्ज से डिस्टेंस ज्यादा था, इसलिए हमें पता है कि पोटेंशियल आर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, तो इसके कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कम हो जा रहा था, तो निगेटिव वैल्यू कम हो रही थी और पॉजिटिव वैल्यू ज्यादा हो रही थी, तो ज्यादा में से कम को माइनस करेंगे तो रिजल्ट पॉजिटिव आएगा। तो यहाँ प्लस था तभी रिजल्ट पॉजिटिव आया था, अगर हम यहाँ माइनस लेकर के चलेंगे तो माइनस की वैल्यू ज्यादा आने लगेगा और प्लस की वैल्यू कम आने लगेगा। अगर निगेटिव में वैल्यू 5 आ रहा है और प्लस में वैल्यू जो है कि सपोज एस 2 आ रहा है, तो 2 में से 5 को माइनस करना पड़ेगा और जो फाइनल जो रिजल्ट आएगा वो निगेटिव आने लगेगा। बात समझ में आया? यस सर। समझ में आया कि नहीं, कि आप जो है कि डाइपोल बनाओगे तो प्लस माइनस, अगर आप इधर उधर प्लस लेकर के चलते हो तो उसके अकॉर्डिंग पोटेंशियल की जो रिजल्ट होगी प्लस या माइनस के कारण अफेक्टेड होगा। और जिसके पास, जैसे अगर आप इस तरह से जो है कि आप एक्सियल पोजीशन ले रहे हो, तो माइनस के साइड वाले में अगर पोटेंशियल निकालोगे तो पोटेंशियल निगेटिव आएगा और प्लस के साइड में पोटेंशियल निकालोगे तो पोटेंशियल पॉजिटिव आएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, ये बात क्लियर हो गया होगा, समझ में आया? सर हाँ सर, सो जो फॉर्मूला लिखे हैं V is equals to 1 upon 4 pi epsilon not P upon R cube, उसमें R cube क्यों लिखे हैं? R square होगा, सॉरी R square होगा, R cube नहीं होगा, वो R cube होता है उस केस में, फील्ड के केस में वो भी इक्वेटोरियल पोजीशन, R square होगा। और तो कोई परेशानी नहीं है? Yes. चलें आगे ना, तो चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट। यस सर, मिटा देना ये सब, तो देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल एट इक्वेटोरियल पोजीशन, इक्वेटोरियल पोजीशन पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो ये हम जो है कि डाइपोल ले रहे हैं, यह डाइपोल है, डाइपोल ध्यान देना है, इस बार भी सोचना है प्लस माइनस का इधर लेकर के चले, उससे कोई रिजल्ट में अंतर आ रहा है या नहीं आ रहा है। यहाँ प्लस क्यू चार्ज लेकर के चल रहे हैं, यहाँ माइनस क्यू चार्ज लेकर के चल रहे हैं, दोनों कितने डिस्टेंस पर अपार्ट हैं? 2a डिस्टेंस पर अपार्ट हैं। और डाइपोल के सेंटर से जाने वाली जो नॉर्मल लाइन होती है, इस लाइन को हम इक्वेटोरियल लाइन कहते हैं। यही लाइन जो है कि कौन सी लाइन होगी? इक्वेटोरियल लाइन होगी। इक्वेटोरियल लाइन क्या है ये, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, तो ये इक्वेटोरियल लाइन हो गया। सपोज दैट इसके सेंटर ओ से, ओ से स्मॉल आर डिस्टेंस पर सर कोई बात नहीं सर, हो गया, कुछ आवाज आ रहा था। तो ये सेंटर से स्मॉल आर डिस्टेंस पर कोई पॉइंट पी है जहां हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू फाइंड करना है, तो बहुत ही आसान है, यह भी बहुत आसान टॉपिक है। तो यहां से आप ये डिस्टेंस लेकर के चलोगे, ये प्लस के कारण यहाँ पोटेंशियल निकालना है, इस माइनस चार्ज के कारण पी पर पोटेंशियल निकालना है। तो ये यहां से ए से पी का डिस्टेंस आप देख रहे हो, राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है ना,
यह डिस्टेंस ए है और यह डिस्टेंस आर है, तो ये हाइपोटेनस हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रूट में, एंड दिस विल बी आल्सो इक्वल टू रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। बात समझ में आ गया ना? यह तब आप क्या लिखोगे कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, देयरफॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पी ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज, इस प्लस क्यू चार्ज के कारण पी पर अगर आप पोटेंशियल निकालते हो तो दिस वी वन इज इक्वल टू, बोलोगे रिजल्ट कोई लोग बोलते चलोगे? आस्था जायसवाल बोले सर। हाँ बोलो। V1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा इस प्लस क्यू के कारण P पर पोटेंशियल? वन अपॉन फोर पाई एप्साइलन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। हाँ, क्यू अपॉन रूट ओवर में होगा, क्यू अपॉन रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, क्योंकि यहाँ डिस्टेंस का स्क्वायर नहीं होता है पोटेंशियल के केस में, दैट इज वी इज इक्वल टू क्यू अपॉन आर, और ये जो डिस्टेंस है यह डिस्टेंस रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट ए स्क्वायर। सिमिलरली इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू दिस निगेटिव चार्ज एट पॉइंट पी वी टू इज इक्वल टू निगेटिव चार्ज के कारण पोटेंशियल निगेटिव होगा। ध्यान दोगे, एक चीज और हम बतला दे आपको, जहां भी स्केलर क्वांटिटी पढ़ोगे, स्केलर क्वांटिटी चार्ज के कारण अगर आप पढ़ रहे हो तो प्लस चार्ज के कारण वो क्वांटिटी पॉजिटिव होगी और निगेटिव चार्ज के कारण वो निगेटिव होगी। लेकिन आप चार्ज के कारण वेक्टर क्वांटिटी के बारे में पढ़ोगे तो वहां डायरेक्शन आपको देखना होगा कि प्लस के कारण किधर डायरेक्शन है और माइनस के कारण किधर डायरेक्शन है। जैसे कि जब हम फील्ड निकाल रहे थे तो हम प्लस के कारण प्लस या माइनस नहीं लिख रहे थे, लिख रहे थे कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज आउटवर्ड इनवर्ड, ऐसे हम डायरेक्शन को लेकर के चल रहे थे। वहां हमें डायरेक्शन की जरूरत पड़ रही थी कि प्लस के कारण आउटवर्ड हो रहा है, माइनस के कारण इनवर्ड हो रहा है, लेकिन यहाँ हमें डायरेक्शन बनाने की कोई जरूरत नहीं है, डायरेक्शन नहीं होगा क्योंकि हमें पोटेंशियल निकालना है। तो निगेटिव चार्ज के कारण पोटेंशियल माइनस वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू डिवाइडेड बाई रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इक्वेशन नंबर सेकेंड। देयरफोर नेट पोटेंशियल एट पी भी इज इक्वल टू भी वन प्लस भी टू, और हम देख रहे हैं कि भी वन और भी टू का मैग्नीट्यूड आपस में इक्वल है और एक प्लस है तो दूसरा माइनस है, तो दिस इंप्लाई दैट भी इक्वेटोरियल इज इक्वल टू जीरो। जीरो, बात समझ में आया नहीं? तो याद रखना है कि डाइपोल के इक्वेटोरियल पोजीशन पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू जीरो होता है, जबकि डाइपोल के एक्सियल पोजीशन पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू भी इज इक्वल टू वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट पी अपॉन आर स्क्वायर आया था ना, आर स्क्वायर होता है। यस सर। तो ये बात हमने देख लिया। अब एक चीज आप एक काम करोगे, अगली टॉपिक हमें एट एनी पॉइंट के लिए पढ़ना है, लेकिन एट एनी पॉइंट वाले में थोड़ा सा टाइम लगेगा, कई चीजें उसमें हमें समझाने होंगे, तो उसे हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, क्योंकि टाइम भी मुझे लग रहा है कि उसके लिए पर्याप्त नहीं हो पाएगा। तब तक आप एनसीईआरटी का एग्जाम्पल फर्स्ट आप देखोगे, बुक आप लोग के पास होगा ना एनसीईआरटी की? यस सर। तो एनसीईआरटी में आप फर्स्ट एग्जाम्पल देखो कि फर्स्ट एग्जाम्पल क्या कह रहा है।